सर किस तरीके से देख रहे हैं बाजार को, निफ्टी 50 क्या नई चाल चल रहा है, क्या आपका नजरिया है इस वक्त? पिछले कुछ सत्रों से हम लोग निफ्टी के ऊपर का जो व्यू है वो कंटिन्यूअसली हम लोग ये बोलते आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल सिनारियो एंड ऑल। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था जो कि मैं हमेशा से बोलते आया हूँ अपने शो के दौरान में, जब तक अमेरिका के मिड टर्म्स के इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते दिसंबर तक बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं जाना है। ये मार्केट का रिएक्शन जो नी जर्क रिएक्शन है वो काफी हद तक सस्टेन हो चुका है एंड यहाँ से एक फ्रेश रैली के लिए मार्केट रेडी है। मुझे लगता है कि दिसंबर तक निफ्टी यहाँ से और 19,200 तक की लेवल हम लोगों को देखने मिल सकती है। 19,200 से 19,500 तक की लेवल्स देखने मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी उसके अंदर, अगर इसी तरीके से मार्केट में सारी चीजें सही से चलती रही और चीजें अपने हिसाब से अच्छे से वर्क हुई है तो ये एक नई ऊंचाई के लिए जाने के लिए रेडी है। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि पिछले एक साल से मार्केट ये हाईस को स्ट्रगल कर रहा था और यहां तक पहुंचने में लगभग लगभग एक साल से थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है विद जीरो रिटर्न्स इन द इंडेक्स। आप समझ रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर तो कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। जो लोग टॉप पे अटके हुए थे इंडेक्स के अंदर तो वो लोगों के लिए सिर्फ इंडेक्स ये ऊपर आया है, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हम लोगों को काफी देखने मिली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्पेशली निफ्टी से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। बैंक निफ्टी तो ये पर्टिकुलर बैंकों का बंच है तो वो जैसे परफॉर्म करेगी वो हिसाब से वो बैंक निफ्टी परफॉर्म होती रहेगी। जी, तो सर ने बता दिया है निफ्टी कैसा दिखने वाला है, साथ में सर ने बैंक निफ्टी के बारे में भी ओवरव्यू दे दिया है।